नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपायर नॉलेज। दोस्तों बात करेंगे यूपी उन्नतर शिक्षक भर्ती के बारे में। इस दिन होगी सुनवाई, कोर्ट ने अनुरोध किया स्वीकार, 22,000 और बढ़ेंगी पोस्ट अब। हाजी भाई सही सुना आपने, आपके दोस्तों 22,000 पोस्ट अभी और इसमें बढ़ने वाले हैं, 29,000 प्लस 22,000। आप मान चलो दोस्तों आपकी जो पोस्ट है भाई 91,000-92,000 आपकी टोटल पोस्ट इस भर्ती में होने वाली है। भाई आपको बता दे दोस्तों, 9 जून को दोस्तों आपकी सुनवाई होनी थी भाई, 9 जून को आपकी दोस्तों सुनवाई नहीं होगी भाई, आपकी जो डेट है दोस्तों उससे पहले हो गई है भाई। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, अगर आप एकदम रियल और सही जानकारी लेना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो गाइस आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी हमारे जो भी मतलब कल जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी लाइव आए थे, उन्होंने गाइस खुद बोला था कि जो आपकी पोस्ट है भाई, उनके पास पोस्ट की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे यूपी में, तो आपकी पोस्ट इसमें निक्रीज हो सकती है भाई। अपने उन्होंने खुद लाइव में बोला था ये बात, ठीक है भाई। और आप मान के चलो भाई आपका फर्स्ट सुनवाई में आपका स्टे हट जाएगा, लेकिन बात ये कि भाई आपके जून की भाई 9 तारीख की आपकी डेट थी सुनवाई की, लेकिन भाई अब 9 जून नहीं है दोस्तों। अभी दोस्तों आपके लिए एक नई न्यूज निकल के आ रही है भाई, 9 जून को सुनवाई नहीं होगी आपकी दोस्तों, सुनवाई दोस्तों इससे पहले होनी है। तो गाइज आपको आपको गाइज पता होगा आपकी जो सुनवाई है भाई 9 जून को होनी थी, लेकिन 9 जून को आपकी सुनवाई दोस्तों नहीं होगी। दोस्तों अब आपके लिए नई खबर निकल के आ रही है भाई, मैं आपको विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले दोस्तों हमारे जो भी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का एक और बयान सुन लेते हैं हम। तो गाइज चलते हैं और वीडियो के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये कहना कि भर्ती प्रक्रिया न रोकी जाए, हमारे यहाँ पदों की कमी नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोग कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, कमेटी के बाद, अगर कुछ और लोग उस मेरिट के दायरे में आएंगे तो हम उनको शामिल कर सकते हैं सर, एमआरसी मुद्दा। तो गाइज आपने सुन लिया भाई, आपकी इसमें दोस्तों पोस्ट भी भाई निक्रीज हो सकती है भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों। इसमें 22,000 पोस्ट और बढ़ा दी जाएंगी अगर भाई मेरिट में और ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो, ठीक है। तो भाई आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, आपकी भर्ती भाई बहुत अच्छे से तरीके से अब होने वाली है, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अब दोस्तों बात करते हैं गाइस, जब आपकी सुनवाई है भाई वो कब होगी, ये बहुत बड़ा एम्स वाला भाई आपका स्टे। देखिए गाइस आपका भाई माना जाए, अगर देखा जाए भाई आपका जो स्टे है भाई फर्स्ट सुनवाई में आपका स्टे हटने का पूरे पूरे चांसेस हो चुके हैं भाई। सरकार भाई पूरी अपनी मतलब ताकत लगा रही है कि आपका स्टे हट जाए अब, ठीक है। तो गाइस एक बार बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी जो सुनवाई के ऊपर, जो फ्रेंड्स अभी कटिंग देख रहे हो दोस्तों, मैंने गाइस न्यूज में देखा था भाई, न्यूज में दोस्तों, और मैंने कुछ अभ्यर्थी से पूछा भाई, जो भी अधिकारी गाइस उनके द्वारा गाइस पता करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपकी दोस्तों सुनवाई है भाई 8 जून को भी हो सकती है भाई, लेकिन पक्का कन्फर्म अभी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भी पक्की कन्फर्म बात आएगी मैं आपके लिए दोस्तों स्पेशली वीडियो बना दूंगा, मैं भाई आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपके लिए दोस्तों इतनी जानकारी थी। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।